लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन आपके साथ। सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेसी सरकार सिर्फ आरोप लगाकर अपनी गलतियों को ढक रही है। गोपाल भार्गव ने कहा कि सरकार अपना वचन पत्र पूरा करे, नहीं तो कांग्रेस को सत्ता में रहने का हक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों के घर का घेराव किया, जो गलत है। उन्होंने कहा, वादे पूरे नहीं होने पर बीजेपी भी मंत्रियों के निवास का घेराव करेगी। भार्गव ने कहा कि बीजेपी के सभी विधायक चट्टान की तरह पार्टी के साथ जुड़े हैं। सीएम खुद अपने विधायकों की दिन रात गिनती करते हैं। वहीं पूर्व मंत्री मिश्र ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर फेल है, जिसका भाजपा आगामी दिनों में आयोजित होने वाली विधानसभा में जमकर विरोध करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जब हमारे विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय कांग्रेस पार्टी ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने और उनके सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को कहा था कि यदि उनका बहुमत आ जाएगा, उनकी सरकार बन जाएगी, तो 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कर दे। साल भर होने को आया है, मध्य प्रदेश के 25% किसानों का भी अभी तक कोई कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसानों की ऋणों की अदायगी नहीं होने के कारण से, कर्ज माफी नहीं होने के कारण से सेवा सहकारी समितियों ने उन्हें ऋण देना भी बंद कर दिया है। नगद तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन उनके लिए खाद और बीज भी नहीं मिल रहा है। खाद प्राप्त करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जबकि जब हम लोगों की सरकार देगी तो एडवांस में हम लोग जो फर्टिलाइजर्स उत्पादन करती हैं उन कंपनियों के लिए हम एडवांस में मार्केट के माध्यम से पैसा बुक कर देते। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।